नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो क्लासेस आपके लिए कंडक्ट करवाई जा रही हैं वो सब हैं JYT के एग्ज़ाम के लिए। तो JYT की डेट जो है एग्ज़ाम की वो अनाउंस हो चुकी है, तो आप सबको पता लग ही गया होगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। 21 मार्च 2020 को जो आपका ये एग्ज़ाम है ये होना है। तो अभी तक आपकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट आप सबके लिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मतलब किसी के पास गिरने से बेटर है कि अपने पैरों पर क्या होने की कोशिश करो, कुछ स्टैंड लेने की कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा जो क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके साथ मैं आपको उसके क्या बताऊंगा आंसर्स, और आंसर्स की क्या एक्सप्लेनेशन भी, कि दोबारा कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि हाँ इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है UNIVAC इज़, कि UNIVAC होता क्या है। तो ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। क्या है? यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। अब UNIVAC 1 क्या है? ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक क्या है? ये कंप्यूटर 1 वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स में। और इट वॉज डिजाइंड प्रिंसली बाई जे परसर एक्रेट एंड जॉन मुशली। ये दो पर्सन थे जिन्होंने बनाया था। तो देखो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि जो UNIVAC है वो किसने बनाया था। तो जे पर्सर एक्रेट और जॉन मुशली ने बनाया था। इज द इन्वेंटर ऑफ UNIVAC इन दिस इन द ईयर्स बिफोर सक्सेसर मॉडल ऑफ UNIVAC 1 अपीयर द मशीन वॉज सिंपली नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? UNIVAC। तो ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये अगले बार भी जो आपका अभी आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर आर, कि कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं? तो देखो अर्थमेटिक भी वो काम कर सकता है, लॉजिकल भी काम कर सकता है, और स्टोरेज से रिलेटेड भी काम कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर सारे के सारे काम, अर्थमेटिक, लॉजिक, स्टोरेज और रिलेटिव, सारा कुछ। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर, कि कंप्यूटर की मेजर दो टाइप्स की चिप्स कौन सी होती हैं? तो एक आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरा आता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ B&C। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स, की माइक्रो प्रोसेसर्स कौन सी स्विचिंग डिवाइसेस के लिए यूज़ होते थे, किस जनरेशन में? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कौन सी में यूज़ होते थे, वो 4th जनरेशन में। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4th जनरेशन। इसके बाद है मेरा अगला क्वेश्चन। तो अब देखो इसमें बोला है द पीरियड ऑफ 4th जनरेशन वॉज, 4th जनरेशन का पीरियड हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है 1971 से कहाँ था 1980 तक, और उस समय पर क्या यूज़ होती थी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट्स यूज होते थे। VLSI सर्किट्स हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर, इसमें लगभग आपके कितने 5000 ट्रांजिस्टर्स जो थे वो यूज होते थे। अदर सर्किट एलिमेंट्स विद देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ 4th जनरेशन। तो ये कौन से वाले आ गए? 4th जनरेशन के। तो पेपर में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि 4th जनरेशन में यूज़ क्या आते थे, तो क्या आते थे? VLSI। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर, कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में मेन डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स, कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो हम किस चीज़ के लिए फोकस करेंगे? उसको फ्यू प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है, या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए। और जो हमारा मेन फ्रेम है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे? एज मैनी एज प्रोग्राम्स कंकरेंटली, एक साथ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स यूज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सुपर कंप्यूटर्स क्या होगा? कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कि सुपर कंप्यूटर्स हमारे किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे?
लार्ज और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए. वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज स्टोरेज फॉर लार्ज डाटाबेस एंड सर्व एज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन. ASCII एंड EBCDIC आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स. व्हाट डज EDCBI स्टैंड्स फॉर. कि EDCBI EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है. तो इसके फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड इंटरचेंज कोड. ठीक है, अब ये होता क्या है, तो ये है क्या, इट इज़ एन 8-bit बाइनरी कोड. 8-bit का क्या है, ये बाइनरी कोड है फॉर न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. इट वॉज डेवलप्ड बाई एंड यूज्ड बाई IBM. इसको किसने डेवलप किया था, IBM ने डेवलप किया था. तो यहाँ से पूछ सकता है कि इसको डेवलप किसने किया है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन. द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज. कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा CPU. अब CPU की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द CPU इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शन. जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको प्रोसेस कौन करता है, हमारा CPU प्रोसेस करता है. इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस कॉन्स्टेंटली. ये रिसीव करता है इनपुट को और फिर उसको क्या करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जीक्यूट करता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन. कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है मैग्नेटिक डिस्क की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये है ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, या डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन द बिट्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द डिस्क. ठीक है, जितना उसका क्या होगा सर्फेस एरिया होता है उसके ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है. इसके बाद है मेरा अगला क्वेश्चन. द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर. दो तरह की मेन मेमोरीज कौन सी होती है, एक होती है हमारी रोम और एक होती है हमारी कौन सी, रैम. तो रैम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और ये हमारी कौन सी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है. डैट टेम्परेरली स्टोर्स द फाइल्स. ये फाइल्स को स्टोर करेगी लेकिन थोड़े से टेम्परेरी टाइम के लिए. ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन. उसके बाद रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. ये क्या होता है हमारा, रीड ओनली मेमोरी होती है. ठीक है, अब ये किसका नेचर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है दैट परमानेंटली स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. कि जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस होती है उनको क्या करता है, ये परमानेंटली स्टोर करता है. इसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 9-10. अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज. तो इसका आंसर होता है आपका बफर. ठीक है, क्या होता है, बफर. तो बफर होता क्या है, इन कंप्यूटर साइंस ए डाटा बफर और जस्ट बफर इज अ रीजन ऑफ अ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज यूज टू टेम्परेरली स्टोर डाटा वाइल इट इज बींग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जब डाटा एक प्लेस से अदर प्लेस पे क्या होता है, मूव होता है, तो उसको किसके थ्रू मूव होता है, बफर के थ्रू मूव होता है. इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम वी कॉल इट एज. कि अगर जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, टायरसम, टायर भी वो कभी नहीं होगा ना, वो कभी क्या होगा, बोर होगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस फीचर को हम बोलते हैं डेलीजेंस. ठीक है, ये जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास करवाई थी उसमें बताया था कि डेलीजेंस होता क्या है. द कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड इज कॉल्ड डेलीजेंस. कि बिना थके हुए जब वो काम करता रहता है तो इस फीचर को हम कौन सा फीचर बोलते हैं, डेलीजेंस. अगला क्वेश्चन. इंटीग्रेटेड सर्किट ICs आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. की कौन सी जनरेशन से रिलेटेड है, तो ICs कौन सी जनरेशन से रिलेटेड है, हमारी थर्ड जनरेशन से रिलेटेड है. पेपर में आपसे पूछ सकता है थर्ड जनरेशन कब चली, 1965 से 1971, तो उसमें हमारे क्या होते थे, ICs यूज होते थे. इसके बाद है CD-ROM is a. कि CD-ROM होता क्या है, CD-ROM is a semiconductor memory है, memory register है, या magnetic memory है, तो इसका आंसर है none of. CD-ROM होता क्या है, CD-ROM को वैसे बोले तो इसे हम बोलते हैं compact disk, और ROM का read only memory is a disk
read only memory type of computer memory in the form of a compact disk that is read by the optical means की इस तरह से क्या होती है हमारी एक डिस्क होती है जिसमें क्या बने होते हैं हमारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें डाटा क्या होता है हमारा डाटा यहाँ पे क्या होता है स्टोर होता है ठीक है तो ये आ गया सीडी रोम ड्राइव्स यूजेज ए लो पावर लेजर बीम टू रीड डिजिटल बाइनरी डाटा जो भी वहाँ पे बाइनरी डाटा है उसको किसके थ्रू पढ़ता है वो लेजर बीम के थ्रू इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अ हाइब्रिड कंप्यूटर इसके एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या है रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर नो इसके बाद था रिजेंबल्स एनालॉगस कंप्यूटर तो ये भी नो रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉगस कंप्यूटर तो इसका आंसर है नन ऑफ द अब हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग का भी काम चल करता है वो और किसका काम करता है डिजिटल का भी उसे हम कौन सा कंप्यूटर बोलेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC कौन से यूज करते हैं ये तो इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते क्या हैं मेन फ्रेम्स आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट जनरली आर नोन फॉर देयर लार्ज साइज के लिए स्टोरेज के लिए प्रोसेसिंग पावर और हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम इन्हें यूज करते हैं इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम जो हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है ALU क्या है हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ठीक है तो ALU क्या है कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू कॉमन कमांड्स कमिंग फ्रॉम तो कहां से आती हैं इसके पास कमांड्स जो आती हैं कंट्रोल सेक्शन से आती हैं तो ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन अब ALU क्या बताया मैंने आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर जितने भी हमारी कंट्रोलिंग का काम है वो सारा कौन करता है ALU करता है इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरेशंस और आज मैंने उससे क्या कराए हैं आपको उसके क्वेश्चंस द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटसिटी ऑफ CPU कि क्या यूज होता था वहां पे हमारी वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ग्राफिक हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वॉन्ट टू यूज कि अगर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में आपको क्या चाहिए हार्ड कॉपी तो आप क्या यूज करेंगे तो आप हम क्या यूज करेंगे उसके लिए प्लॉटर यूज करेंगे प्लॉटर ड्रॉ लाइन्स ऑन पेपर यूजिंग अ पेन पेन की हेल्प से हम प्लॉटर के ऊपर क्या करते हैं लाइन्स ड्रॉ करते हैं इन द पास्ट प्लॉटर्स वर used in applications such as computer aided design जो computer aided design होते थे वहाँ पर हम use करते थे किसको plotters को use करते थे as they were able to produce line drawings such much faster and of a high quality that contemporary conventional printers and small desktop plotters were often used for business graphics ये छोटे छोटे जो हमारे businesses वगैरह होते थे वहाँ पे हमारे plotters क्या होते थे use होते थे तो इसका answer आ जाएगा हमारा plotters इसके बाद मेरा next question what are the stages in the compilation process तो stages क्या होती हैं lexical analysis होता है syntax analysis होता है और फिर क्या होता है कोड जनरेशन ये तीन होती हैं हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए लेक्सिकल एनालिसिस सिंटेक्स एंड कोड जनरेशन आर द स्टेजेस फॉर कंपाइलेशन प्रोसेस ठीक है इसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन से यूज हुआ था तो बोथ SSC और MSC ठीक है SSC एंड MSIIC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉल्व तो इसमें क्या था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स और ये जनरेशन कब बनी थी 1940 से 1956 इसके बाद है मेरा अ डंब टर्मिनल हैज ए डंब टर्मिनल होता क्या है ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन उसमें दोनों चीज़ें होती हैं आपकी क्या होगा कीबोर्ड भी होगा और क्या होगी स्क्रीन भी होगी A dumb terminal has keyboard and screen, a display monitor that has no processing capability,
या अ डंप टर्मिनल इज सिंपली एन आउटपुट डिवाइस। यहाँ डंप टर्मिनल को क्या बोल सकते हैं, सिंपल एक आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 मिली सेकेंड, इसके 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1000th of second। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, कि अगर एक प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करनी हो तो किस पे मेजर करते हैं, डॉट पर इंचेस पे उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब DPI होता क्या है, डॉट्स पर इंचेस रेफर्स टू द आउटपुट रेजोल्यूशन। ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, रेजोल्यूशन के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कि स्पेशल पर्पस कौन सा है, तो ये है हमारा ABC। ABC वॉज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ABC stands for Atoms of Berry Computer, which was named after the inventor and has been introduced in 1937. The first digital computer that was invented to do some specific task. तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी तरह के सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें, कि अगर वो लोग भी JYT के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।